हाय आई एम खान जादी, यू आर वॉचिंग मी ऑन ई टाइम्स टीवी। अभिषेक भी पागल है, मैं भी पागल हूँ। वो मुझे संभालेगा कि मैं उसको संभालूँ? तो मैं तो उसको कहती थी, यू नो, तेरा पागलपन दूर हो जाएगा अगर तू मुझे संभालने लग गया तो। मेरे दिल में बिग बॉस के सफर तक, हाँ, ही वॉज काइंड ऑफ स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं भी ब्लश करती थी, या यू नो, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अंकिता, देवी की भाई एंड अनुराग जैसे लोग मिले वहाँ पे, जो मेरे साथ खड़े रहे एंड तक। मैं बस एक ही चीज़ के लिए रिग्रेट करती हूँ कि मैंने एक बात बहुत बार कही कि आई वांट टू गो होम। सो इसी चीज़ का शायद मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है। अंकिता दी और मेरा जो बॉन्डिंग था, जैसे मुझे चमची बोला जाता था क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहती थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो बोलती थी कि हाँ मैं हूँ चमची, चलो ठीक है ग्रुप में हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स। आई एम विजय तिवारी एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद द प्रिटी एंड द बिग बॉस 17 सेंसेशन खानजादी। खानजादी, वेलकम टू ई टाइम्स। Thank you so much for having me. How are you? I'm good, thank you so much. And tell me, how is life and how was the entire experience of doing Big Boss 17? Life is awesome. It was amazing. It was a roller coaster ride. And I'm grateful for everything. Yeah. We saw, your entire journey in Big Boss 17 was nothing short of a roller coaster ride, as you said. You started with a bang and then the graph went up and down, up and down. What do you have to say? What has been the learning for you in these 8 weeks, 9 weeks that you have spent inside? Yeah, so up and down is a must. Zinda rehne ke liye. If it will go flat, then dead. So, I'm alive. तो लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा बिग बॉस 17 से, जो ये 8 weeks, 9 weeks आपने स्पेंड किए? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें मैं जान पाई अपने बारे में जो मुझे पहले नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना स्टैंड ले सकूं और अपने आप को डिफेंड कर पाऊं। एंड आई डिड इट प्रिटी वेल इनिशियली, एंड फिर बीच में कुछ हो गया था। आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, सो हो सकता है कि उस वजह से थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी गेम से, बट ठीक है, कोई नहीं, तो उस चीज़ को मैं सुधारूंगी एंड यू नो आई विल गेट माय फाइटिंग स्पिरिट बैक एंड आई विल यूज़ इट इन अ राइट वे। यू नो, लॉट ऑफ पीपल लव्ड यू इन द इनिशियल यू नो गेम व्हेन इट स्टार्टेड द शो, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड और भी लोग जुड़ते गए आपके जर्नी के साथ। बट वेन दैट यू नो दिवाली एपिसोड हैपेंड, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई और आप थोड़े टाइम के लिए अपने शेल में भी चली गई थी बिकॉज यू आर इमोशनली सो ड्रेन्ड, आपको लगता है ऐसा कि काश वो एपिसोड या काश वो टाइम नहीं आया होता, क्योंकि आप जर्नी में बहुत अच्छा जा रही थी, काश अभिषेक के साथ वो बॉन्डिंग नहीं हुई होती एंड वॉट एवर ही सेड इन द नेम ऑफ द टास्क वो नहीं हुआ होता? हाँ, सो इट वॉज नॉट अबाउट द बॉन्डिंग and it was not only about the task. उस दिन मॉर्निंग में भी वी हैड अ फाइट एंड उसी दौरान उसने बहुत सारी चीज़ें कह दी थी, तो सुबह भी मैं रोई थी। वो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था वहाँ पे, और रात को जो हुआ दिवाली बैश वो तो आप लोगों ने देखा ही। सो दो दो बार वो सेम चीज़ हुई एक दिन में, और हाँ थोड़ा सा बुरा लगा ये सोच के कि मैंने क्यों बताया। यू नो, मैंने बस इसलिए बताया था कि मुझे लगा था कि सच में यार, मतलब दोस्त है, वेल विशर है, समझेंगे या जो भी, पर ऐसा होगा, आई डिडंट नो दिस। पर इस चीज़ के लिए मैं उनको नहीं ब्लेम करूँगी, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ ओनली, एंड आई नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन इफ आई गो बैक टू द शो। एंड जिस तरीके से आपकी बॉन्डिंग भी थी अभिषेक के साथ, बहुत बार हाउसमेट्स ने और कभी कभी मेकर्स ने भी उसके ऊपर सवाल उठाया दैट इट इज़ जस्ट फॉर द गेम एंड कैमरा, क्योंकि एक आपने एक टास्क के दौरान बस एक बार आपने
वो जीतने के लिए एक बार कुछ बोल दिया था, तो उसको कम से कम आपको 4 से 5 बार अलग अलग तरीके से सुनाया गया। 4 से 5 बार नहीं, 10 बार से ऊपर। हाँ, हर बार उसको यू नो एक मौका मिला और सब वो बात निकालते थे कि आपने कैसे हैम्पर के लिए यूज किया, हैम्पर के लिए यूज किया। चलो मैं मानती हूँ कि मैंने टास्क के दौरान किया था वो चीज, और टास्क के दौरान तो उन्होंने बाद में क्या किया कि आप लोग तो जानते ही हो, सिर्फ अभिषेक को लेके नहीं कह रही हूँ, बहुत लोग हैं, सबको टास्क जीतना है तो करना पड़ता है। बट मैंने जो किया था, आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ बहुत बड़ी बात कही थी मैंने, क्योंकि वो एकदम कॉमन सा था, तो वो तो मुझे वैसे ही कहता रहता था, मतलब यू नो ही यूज टू फ्लर्ट, इवन आई यूज टू फ्लर्ट समटाइम्स यू नो, तो तब ये बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन जब ये टास्क में मैंने कह दिया तो इस चीज को मुद्दा बनाया गया कि अरे कैसे कह सकते हो, और क्या ये कहना क्या गलत बात है, मतलब क्या गलती कर दी मैंने ये कह के कि चलो तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़क रहा है, ये क्या मतलब, क्या ये कोई हर्ट हुआ है या किसी को नुकसान पहुंचा है बहुत बड़ा, क्या था? कुछ नहीं था मेरे ख्याल से। और जैसे ही सना को बोला गया कि शी इज द विनर, तो मैंने उसी वक्त बोल दिया अरे यार मैंने तो झूठ बोला था, पर वो मैंने झूठ नहीं बोला था वो आप लोगों को भी पता है, तो बस मुद्दा चाहिए होता है सबको और ये सामने से मिल गया उनको। या बट डू यू फील कि वो जो फीलिंग्स थी अभिषेक के लिए वो अगर आप अपने तक रखती और अगर आप शायद आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी और अनफिल्टर्ड तरीके से आपने टास्क के बाद ही बोल दिया कि यार ये तो मैंने झूठ बोला था, शायद वो आप अपने तक ही मैंने सच्चे दिल से झूठ बोला था तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ें इतना भी ऑनेस्ट होके नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे ख्याल से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ गलत था। एटलीस्ट मुझे मौका मिला लोगों के बारे में जानने का कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। राइट, अभिषेक और आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी दिखती थी हमें, कि हमें दिखता था कि वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा काम रहते थे, बहुत एक अच्छा इमेज उनका कैमरे पे दिख कर आता था और लोग एंजॉय भी करते थे आप दोनों को साथ में देखना, तभी आपका हैशटैग है अभिजादी। अगर फीलिंग्स की बात करें तो क्या है आपके दिल में उनके लिए? मेरे दिल में बिग बॉस के सफर तक, हाँ ही वॉज काइंड ऑफ स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं भी ब्लश करती थी या यू नो मैं जानबूझ के अपने आप को होल्ड करके रखती थी, क्योंकि जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम क्यों लेना है। सो वी वर वेरी श्योर अबाउट इट कि जो भी होगा हम यहाँ नहीं, आई मीन इट्स लाइक कि वी डोंट वांट दैट। आपको, आप दोनों को लगता था गेम में डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा अगर आप दोनों एक साथ आ जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो अभिषेक का सोच था और मैं भी कहीं ना कहीं अग्री करती थी उस चीज़ को लेके, पर अगर जेन्युइन फीलिंग्स है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो दिख जाता है और धीरे धीरे वो फील होने लगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं शायद सीरियस हो रहा है, तो यहाँ पे ही रोक देनी चाहिए ये सब। अगर अभी बाहर आने के बाद अभिषेक इफ ही आस्क यू और इफ ही प्रपोजेस टू यू और यू नो एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, विल यू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड और विल यू गिव इट अ चांस? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर ऑल दिस, अभी बहुत काम करना है और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, और अभिषेक भी पागल है, मैं भी पागल हूँ, वो मुझे संभालेगा कि मैं उसको संभालूं तो मैं तो उसको कहती थी यू नो तेरा पागलपन दूर हो जाएगा अगर तू मुझे संभालने लग गया तो तो हाँ, तो ठीक है, वो अपना जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉट एवर थिंग्स ईशा हैज सेड अबाउट हिम इन द शो अबाउट हिज एग्रेसिव साइड एंड हाउ इज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज पार्टनर, वो भी क्या एक वजह रही है टू होल्ड योर सेल्फ बैक? नहीं, सिर्फ वो वजह नहीं है, सबका होता है, दो साइड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड हाँ ही इज एग्रेसिव, कहीं ना कहीं उसका एग्रेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा दिख के आता है, क्योंकि ही इज़
एक्सप्रेसिव ऑल्सो yeah. मतलब यू नो अपने इमोशंस को बहुत ही खुल के वो एक्सप्रेस करता है, मतलब हर तरह का इमोशंस. तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने और भी इंटरव्यूज पे बोला था सेम चीज़ कि ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत है, यू नो लव इज़ दी ओनली मेडिसिन दैट कैन हील. तो वो बात है. और मैं ईशा नहीं हूँ. तो वो जो फेस था यू नो मेडिकल, जब आपके कंडीशन के बारे में बिग बॉस के घर में बात हुआ, इनिशियली लोगों ने बिलीव नहीं किया. व्हेन यू वर इनसाइड, आपके भाई ने उसके बारे में ट्वीट किया, फिर आपके डॉक्टर सामने आए, उन्होंने बातें बताई, एंड पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग विथ योर जर्नी एंड फीलिंग फॉर यू, दे डेवलप्ड एम्पथी फॉर यू. लेकिन बिग बॉस के घर में लोग उसको बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थे. कुछ लोगों ने उसको झगड़े के दौरान भी यूज़ किया, दे यू नो गॉट बैक एट यू सेइंग कि नहीं तो झूठ बोल रही है, अपने मेडिकल कंडीशन को यूज़ करते. हाउ वॉज दैट फेज जब आप चीख चीख के लोगों को बोल रही थी कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, बट बिकॉज ऑफ द वीकेंड का वार इफेक्ट दे वर नॉट रेडी टू बिलीव यू. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है. मैं सोते वक्त आई यूज़ टू हेलुसिनेट, मुझे उनकी शक्लें, उनका लाफ, हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी. आई स्वेयर लाइक आई एम नॉट लाइंग यू नो, एंड इट वॉज टेरिफिक. आई कांट इवन एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स. बट एक होप था कि शायद मुझे एक तो इशारा मिल जाएगा, या यू नो एक हिंट बिग बॉस दे देंगे, या तो जैसे सबको कन्फेशन रूम में बुलाया जाता था, या थेरेपी रूम में बुलाया जाता था, या वीकेंड के वार पे चीज़ें क्लियर हो जाती थी. सो आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग, पर नहीं हो रहा था. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू क्विट. बिग बॉस के घर के अंदर एक ऐसा भी टाइम आया व्हेन यू नो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, सलमान वहाँ होस्ट कर रहे थे, एंड यू कुडंट कंट्रोल योर टीयर्स, योर इमोशंस, एंड यू रैन इनसाइड द वॉशरूम एरिया. और वहाँ पे सिर्फ दो या तीन लोग ही आपके साथ थे, अंकिता लोखंडे, अनुराग एंड विकी. बाद में खैर लोग आए, लेकिन कुछ लोग तो आने के लिए भी तैयार नहीं थे. आपको लगता है कि वहाँ से चीज़ें आपके लिए थोड़ी और डिफ़िकल्ट हो गई, बिकॉज नोबडी वाज ट्राइंग टू बिलीव यू, क्योंकि होस्ट ने भी, मेकर्स ने भी आके काफ़ी बार बोल दिया कि आप जो भी चीज़ें बोल रही हैं उनका, उनके पास अभी तक आपका कोई प्रूफ नहीं गया है. व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, इसमें उनका कोई गलती नहीं है. आज के टाइम पे किसके लिए टाइम है किसी के पास, राइट? सब लोग अपने अपने ज़िंदगी में बिजी है. एंड मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अंकिता दी, विकी भाई एंड अनुराग जैसे लोग मिले वहाँ पे, जो मेरे साथ खड़े रहे एंड तक. तो उनके वजह से ही शायद मैं और थोड़ा दिन टिक पाई, नहीं तो शायद पता नहीं क्या ही होता. सो दे वर लाइक एंजल्स यू नो मेरे लिए. तो हाँ, एंड वो जो मोमेंट हो गया जहाँ पर आप उठ के चली गई और लोगों ने कहा कि आप सलमान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, ये वो काफी लोगों ने समझा कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, आपका बिल्कुल इमोशनल आउटबर्स्ट था, बट डू यू रिग्रेट, क्योंकि आपने उसके बाद सॉरी भी बोला था सलमान को. हाँ, मैं बस एक ही चीज के लिए रिग्रेट करती हूँ कि मैंने एक बात बहुत बार कही कि आई वांट टू गो होम. सो इसी चीज़ का शायद मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है. चीज़ें बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जब मेरी ज़िंदगी का सबसे जो बिगेस्ट ट्रॉमा है उसको नेशनल टेलीविज़न पे झुटला दिया गया, तो मुझ पे क्या बीती वो मुझे ही पता है. और उस वक्त मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी. आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, माई इमोशंस. सो अगर मैं नहीं उठ के आती तो शायद मैं फेंट हो जाती, या फिर पता नहीं क्या हो जाता. तो मुझे लगा, मुझे वही थी मतलब ठीक लगा कि मैं ही चली जाती हूँ. और फिर बाद में हाँ थोड़ा सा लगा कि नहीं करना चाहिए था, एंड मैंने अपोलोजाइज भी किया और अभी भी कर रही हूँ. गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. पर कोई बात नहीं, ये एक लेसन था और आगे से मैं ध्यान रखूंगी. एंड आपको ये जर्नी में बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स भी मिले, विकी
अनुराग एंड अंकिता. अंकिता के साथ आपकी इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी फर्स्ट सेकंड वीक में, एंड देन बिकमिंग सोल सिस्टर्स. आप लोग गेम्स वेम्स भी खेलते थे. बिल्कुल. आपने क्या बोला था, पिंटी मिंटी क्या था वो, प्रिंटी प्रिंटी वो जो ऐसा कोई नाम नहीं होता. आई रिमेम्बर आई वॉच दैट वीडियो. सो डू यू फील कि यू नो कुछ लॉस हुआ लेकिन बहुत अच्छे रिश्ते भी आपने कमाए. बिल्कुल बिल्कुल. अंकिता दी और मेरा जो बॉन्डिंग था, जैसे मुझे चमची बोला जाता था क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहती थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था. मैं तो बोलती थी कि हाँ मैं हूँ चमची, चलो ठीक है ग्रुप में हूँ, आप लोग ये समझ रहे हो ठीक है ये ग्रुप ही है, एंड आई एम हैप्पी कि मैं इस ग्रुप में हूँ, यू नो आई एम हैविंग गुड कंपनी. सो वो कहती थी कि ठीक है अगर तू चमची है ना तो मैं कांटा हूँ और विकी छुरी ऑन टेबल. तो मैं कहती थी ऑन टेबल साथ में सबसे पहले हम. एक और राइवलरी, एक्चुअली एक नहीं तीन तीन राइवलरी रिंकू धवन के साथ ऐश्वर्या शर्मा. मुझे खुद नहीं पता कि ये लोग क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, क्योंकि शायद इसीलिए क्योंकि उनको हमेशा बोला गया कि वो लोग दिखते नहीं है, शेल में छुपे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, कर नहीं रहे, और कोई इतना मौका नहीं दे रहा है उनको कुछ करने का. सो मुझे शायद सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रही होगी, तो उन्होंने समझा कि चलो इसके साथ ही कर लेते हैं, हम दिख जाएंगे. Do you think you were a soft target for them? Definitely, why not? Yeah. And did you see that episode जहाँ पर आप बाहर निकल रहे थे and रिंकू धवन was like, I'm happy कि वो जा रही है, I don't regret, या मतलब मेरे को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है. तो वो आपने देखा? हाँ, मुझे weird लगा क्योंकि मैंने कभी उनको कुछ गलत तरीके से कभी नहीं बोला. मतलब अगर कुछ बोला भी था तो मैं ऐसे चिढ़ाने वाली, जैसे टोन होती है ना हंस हंस के, ऐसा मतलब मैंने कहा था कि अरे मैंने तो कॉन्वर्सेशन सुना था, आप पूल साइड में बात कर रहे थे कि यू नो दिखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और नेक्स्ट मॉर्निंग ही आप मेरे साथ लड़ाई करते हो किचन में छोटी बात को लेके, तो दिखने के लिए कर रहे हो. तो मैं ऐसे चिढ़ाती थी, तो वो एक्चुअली मैं चिढ़ जाती थी, और फिर मैं एक कहती थी तो वो पता नहीं मतलब 10 मुझे सुना देते थे, और वो भी ऐसी ऐसी बातें कि मतलब जाओ पूल में डूबो मरो. बिफोर वाइंडिंग अप आई आल्सो वांट टू नो कि आपका एक इंसिडेंट हुआ था जब आपको संचालक बनाया गया था, एंड यू सेड कि मैं औरतों को इस गेम में या लेडीज को या फीमेल को इस गेम में नहीं खेलने दूंगी. उसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिला था बाहर भी घर के अंदर भी, एंड यू नो अंकिता भी थोड़ी देर के लिए आपको बोलने लगी थी कि यू कांट डू दिस. आपको लगता है, और फिर उसी झगड़े के दौरान आपने बोल दिया था ऐश्वर्या को कि यू नो पब्लिसिटी के लिए कर रही है जो चिंटू वाला होता है, अटेंशन के लिए कर रही है जो चिंटू वाला पूरा मुद्दा हुआ था. डू यू रिग्रेट सेइंग दैट? या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने जानबूझ के पर्पसली वो किया था क्योंकि मुझे ऐश्वर्या को रियलाइज कराना था कि जब वो मुझे कहती थी कि अभिषेक के साथ में जो भी हो रहा है कंबल के नीचे पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी बहुत मतलब घटिया घटिया चीज़ें उसने कही है, और स्पेशली माय मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी मजाक उड़ाया गया है ये कह के कि यू नो मैं अटेंशन के लिए कर रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ, मतलब जो भी मेरा थॉट्स, जो भी मैं एक्शन ले रही थी वो सब अटेंशन सीकिंग ही था. सो टास्क के दौरान जब ऐश्वर्या भड़क गई चिंटू के ऊपर कि हाउ कैन यू डू दिस, एंड नील ने वहाँ से आवाज़ दिया था तूने गंदे तरीके से हाथ लगाया है, और मैं देख रही थी और वो एक्सटेंड होता गया. मैंने सोचा कि एक दो बार बोल के चुप हो जाएगी, बट नो शी वॉज नॉट स्टॉपिंग. वो कंटिन्यू करती गई जबकि मैं कह रही थी कि मैं संचालक हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा है, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, सो वाई आर यू रिएक्टिंग, अरे नहीं 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 ऐसा वैसा. तो तब मैंने ये कहा कि चलो ठीक है तुम अभी निकलो यहाँ से, और कोई लड़की भी नहीं आएगी क्योंकि दिस गेम इज लाइक दैट ओनली. लग जाएगी फिर आप बोलोगे कि ये हुआ है. फिर बाद में मैंने बुलाया, ऐसा नहीं मैंने नहीं बुलाया, मैंने अंकिता दी को भी मैंने इशारा किया था कि वेट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. फिर मैंने बुलाया सबको. So it was for her. Yeah. And you intentionally said that statement to her because you wanted to make her feel ki unho wo jo ab tak keh rahi thi. Exactly.
वो कैसा महसूस होता है. सो शी फेल्ट इट एंड शी क्राइड. सो आई सेड टिट फॉर टैट. Thank you so much, Khanzadi, for joining us for this heart-to-heart conversation. All the best for your future. और उम्मीद करते हैं जो प्यार आपको अभी मिल रहा है Big Boss के बाद, it continues and grows leaps and bounds. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.